तुमको मजाक से हटके अगर एक भी बात में झूठ कह रहा हूँ, आज तुमको मैं मेरी सैलरी बताऊँ। मैंने जब गॉडलाइक स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था, ठीक है, जब भी मैंने ज्वाइन किया था तब मेरी सैलरी थी 1.5, ठीक है, 1.5 मेरी सैलरी थी जब मैंने गॉडलाइक ज्वाइन करी थी। उसके बाद जब हम परफॉर्म वफॉर्म करे तब वो सैलरी हुई 2.2, और उसके बाद मैं कितने साल रहा गॉडलाइक में आई डोंट नो, मेरी सैलरी 2.2 ही थी, ठीक है, लेजिट 2.2। मैं बाकियों का नहीं बता रहा, मैं खुद का बता रहा हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रीम है, मेरा चैनल है। मेरी सैलरी 2.2 ही थी, ठीक है, मतलब छोड़ने तक के। बट आप मेरे को बताओ, फॉर अ फैक्ट चैट, जितने मेरे अचीवमेंट्स थे उसके हिसाब से अगर मेरी जगह कोई और प्लेयर रहता तो कितना सैलरी डिमांड करता, ये बताओ चैट में। 3-4 लाख, 5 लाख, 3-4 लाख, तो मतलब 3-4 लाख नहीं नहीं करके भी 3 लाख, 4 लाख, ऑब्वियसली बात 2.2 लाख भी बहुत। एग्जैक्टली एग्जैक्टली माई पॉइंट, अब जाके थोड़े लोगों ने सही कहा कि 2.2 लाख भी इनफ है ब्रो। भाई वो और 2.2 लाख एक प्लेयर को दे रही है तो ऑलमोस्ट सबका भी उतना ही आसपास रहेगा। 2.2 लाख बहुत है। एग्जैक्टली घातक भाई ज्वाइन आरटीटी एक्सपेल्स बताता ब्रो। मैं ऑलरेडी मिल के आया था जब ये बातें हो रही थी, तब मैं मिला हुआ, मतलब उस टाइम मैं भी पुणे में था जब ये बातें हो रही थी। माइट बी यू हैव सीन वो स्काउट के ब्रॉडकास्ट में केक वेक कटा हुआ, उस दिन की बातें सब। अभी सब गॉल्ड फैंस अनफॉलो घातक। अरे यार ये तो पता है, फिर वो मेच्योरिटी वाली बात है। शुभ को सब बताओ, इट्स नाउ नो मोर अबाउट गॉल्ड फैंस, नो मोर अबाउट सोल फैंस। बताओ तुम जिसको जिसके फैन हो दैट्स गुड, बट एटलीस्ट मतलब मेरा ऐसा मानना है कि फॉलो एवरी वन द सीन, ट्राई टू नो वट एवर द स्टफ इज हैपनिंग अगर आप इतना इन्वॉल्व हो तो। अगर आप नहीं हो तो फिर हाँ फॉलो योर आइडल्स, फॉलो योर टीम एंड बस ठीक है। वन इफ यू वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन द सीन तो सबको फॉलो करो। हर बंदा कुछ ना कुछ एक स्टोरी लेकर चल रहा है, हर बंदा अपनी एक सक्सेस लिख रहा है, हर बंदा अपनी एक कहानी लिख रहा है। सो यू नो बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। सोल एक्स नियो भी स्काउट एक्स नियो भी हो जाएगा लग रहा है भाई। देखो नॉट अ बिग डील, हो सकता है, हो सकता है। सपोर्ट तो जॉनी कोई रहेगा, अरे तो किसी को भी करो भाई, अपने फील्ड को सपोर्ट हमेशा करो, बट बाकी को भी प्रेस करो, बाकी भी मेहनत कर रहे लौंडे, बाकी भी अच्छा कर रहे हैं। ऑलवेज यू नो हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन इन द सीन, यही बस कहना चाहता हूं मैं मित्र। इसकी बात जॉनी के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई ना, इस घातक भाई का रिस्पेक्ट नहीं रही अब। अरे यार ये सब क्यों कर रहे हो भाई, ही इज ऑल्सो वर्किंग भाई, वो ट्राइडेंट संभाल रहे हैं साथ में, अभी आरएनटी वाला भी देखेंगे। बाजी वर्ड स्काउट भाई ने बोला कि कॉन्ट्रोस टीम की बात भी हम बात करते थे। नहीं नहीं भाई वो देखो तुम्हें एक सब बताता हूँ कि कॉन्ट्रोसिंग का वही है वो जो वीर वॉल थी जिसको नहीं पता, एंड दिस अ वेरी गुड थिंग जो तुम्हें नहीं पता होगी शायद, बट तो बताता हूँ। इंटरनली सब सबके साथ भाईचारे में सबकी सबसे बात होती है भाई। मेरे हिसाब से तो दैट वॉज दी टर्निंग पॉइंट, वी गॉट रूशी सर एक्स घातक भाई बिफोर GTA 6 ब्रो, वी गॉट दैट ब्रो।